हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था। मिस्टर पैट का ऑफर सुनकर वही अपने कर्ज के बदले अपनी सबसे प्यारी बेटी को उन्हें एज अ बेबी करियर देना, अ काइंड ऑफ किट को उनसे 32 मिलियन के बदले बेचने वाली ऑफर। ये ऑफर सुनकर सेक को उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर आप मुझे समझ क्या रखे हो, मैं एक इंसान हूँ कोई जानवर नहीं जो ऐसे ऐसे ऑफर्स दे रहे हो। सेक की मॉम भी उन पर बहुत गुस्सा करती हैं कि मैं अपने लाइफ में बहुत लोगों से मिली हूँ पर आज तक तुम जैसा कोई नहीं देखा। इस पर मिस्टर पैट कहते हैं, आप मेरे इस ऑफर के बारे में ठंडे दिमाग से सोचना, अगर मैं जेल गया तो किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा पर इससे आपका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इसके बाद मिसेस नन को उनके इस डील का और पूरे मैटर का पता लगता है। कहती हैं, आप हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जानते हो ना कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। मिस्टर पैट कहते हैं, मैं भी केट को बहुत प्यार करता हूँ सो कभी भी उसकी बुराई का नहीं सोचूंगा। मैं पिछले कितने सालों से सिख और उसकी फैमिली को जानता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और ख़ासकर सिक वो बहुत अच्छा है, हमारी बेटी को कभी हर्ट नहीं करेगा। अगर किट सिक के लिए काम करने को रेडी हो जाती है तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और बदले में किट भी हमेशा खुश रहेगी, वे लोग खुद उसकी केयर करेंगे। तुम प्लीज इस बात को एक्सेप्ट कर लो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे मिसेज नन घर आती हैं, सबको उनके डैड की कंडीशन के बारे में बताती हैं और ये भी कि तुम्हारे डैड के ऊपर जितने भी कर्ज हैं एंड उन गैंगस्टर की प्रॉब्लम, इन सब में सिक हमारी हेल्प कर रहा है इससे पहले कि उनमें से कोई क्वेश्चन करता वो क्यों हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये बात को ही काट देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग किट सिक को थैंक यू बोलने के लिए उसके ऑफिस पहुँच जाती है पर सिक इसका गलत मतलब ही समझ लेता है, इसे ज़रूर इस डील के बारे में पता होगा एंड ये खुद उसके लिए रेडी भी होगी, तभी तो मुझसे मिलने ऑफिस तक आ गई। अपने इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सिक उसे छेड़ने लग जाता है, यहाँ तक कि इनका फर्स्ट किस भी ऐसे ही जोर जबरदस्ती में हो जाता है। केट को गुस्सा आ जाता है सो वो सिक को जोर का एक थप्पड़ लगा देती है और फिर भागती हुई घर आकर अपनी मॉम से ढेर सारे क्वेश्चंस करने लग जाती है, आखिर सिक के साथ उनकी कैसी डील हुई है जो उसने मेरी इस तरह से इंसल्ट की। मॉम उसे इसका कुछ आंसर तो नहीं दे पाती हैं कि आखिर मैटर क्या है, लेकिन उससे उसका बैग पैक करने को ज़रूर कह देती हैं कि तुम आज से सिक के घर पर रहोगी। ये सुनकर सभी के सभी कन्फ्यूज्ड दिखने लग जाते हैं। किट क्वेश्चन भी करती है जिस पर मिसेस नन कहती हैं, तुम्हारे डैड से गलती हुई है, उन्होंने बहुत बड़ी चोरी की है तो तुम वहाँ रहकर उनके लिए काम कर उनका कर्ज चुकाओगी। किट कहती है, मुझे मंजूर है लेकिन मैं यहाँ रहकर भी तो उनके लिए काम कर सकती हूँ ना, तो फिर वहाँ जाकर रहने की क्या ज़रूरत है। पर मिसेज नन अपनी बेटी को फोर्सफुली खींच कर ले जाने लगती हैं। इधर ईद सिक के घर पर आकर एक अलग ही हंगामा खड़ी की हुई थी, सिक उससे मिलना नहीं चाहता था और ये अपने प्यार का झूठा हवाला देकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। हद तो तब हो जाती है जब वो सुसाइड करने की धमकी देने लग जाती है। सिक की मॉम उसके रग रग से वाकिफ थी सो कहती हैं, एज यू विश, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो।
इनके इसी नाटक के बीच मिसेस नन का वहाँ आने की खबर इन्हें मिलती है। देन ये लोग जाकर उनसे बात करती हैं। केट की मॉम कहती हैं, हमारी डील के अकॉर्डिंग मैं केट को लेकर आ गई हूँ। यहाँ सेक की मॉम के माइंड में ईद से उसका पीछा छुड़ाने का एक अच्छा सा प्लान आ जाता है। सो इन्हें उसके पास ले जाकर कहती हैं, इनसे मिलो, ये हैं सेक की मदर इन लॉ। जैसा कि तुम जानती ही हो, मैं तुम्हें शुरुआत से ही पसंद नहीं करती थी। सो मैंने सेक के लिए सीक्रेटली लड़की ढूंढ रखी थी एंड अब ऑलरेडी उसके पास उसकी दूसरी बीवी है। ईद कहती है, ये सब झूठ है, सेक इतनी जल्दी मुझे भूल नहीं सकता और वैसे भी मैं अभी तक उसकी लीगल वाइफ हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आप लोग कहाँ तक जाते हो, सेक से तो मैं मिलकर ही रहूँगी। इसके बाद मिसेस मैरिसा सेक की मॉम इनसे कहती हैं कि अभी अभी जो कुछ भी मैंने कहा आप उसका सीरियस मतलब मत समझ लेना। इस लड़की से पीछा छुड़ाने का वो हमारा एक तरीका था। देन फिर इन दोनों लेडीज में उनकी डील को लेकर बात फाइनल हो जाती है। वेल, आगे केट को अपने घर पर अचानक से सेक देख लेता है और फिर उसके पास आकर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये इनोसेंटली कहती है, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, काम करके अपने डैड का कर्ज चुकाना चाहती हूँ। सेक कहता है, सीरियसली, तुम वो काम करना चाहती हो? देन ठीक है, मैं भी अब तुम्हें मना नहीं करूँगा। अगर तुम खुद ही बच्चे वाले जॉब के लिए रेडी हो तो फिर भला मुझे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? केट हैरान होती हुई कहती है, कौन सी बच्चे वाली जॉब? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सेक कहता है, तुम इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हो जो हर चीज़ तुम्हें मैं ही बताऊं। केट कहती है, तुम हमेशा फालतू कहीं बकवास करते रहते हो। और फिर इधर आकर अपनी मॉम से पूछती है कि वो तो यहाँ पर काम करके इनके पैसे चुकाने के लिए आई थी ना। देन फिर ये मुझसे उसके बच्चे वाली बात क्यों बोल रहा है? तब फाइनली उसकी मॉम उसके डैड के दिए इन्हें ऑफर के बारे में सारा कुछ बता देती हैं कि उसे इस खानदान को वारिस देकर उनका कर्ज चुकाना है। केट को बहुत ही बड़ा सा शौक लगता है। सो वो वहाँ से रोती हुई बाहर निकल जाती है। वहीं सेक भी सोचता है कि मैं गलत था, उसे तो सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर केट फुल टेंशन में रोती हुई अपने डैड के पास आती है। आते ही उनसे पूछती है कि आपने मुझे मेरे प्राइड को 32 मिलियन में बेच दिया। डैड कहते हैं, सेक और उसकी फैमिली सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तुम वहाँ सच में बहुत खुश रहोगी। केट का कहना था कि सबका ड्रीम होता है जिससे प्यार करे उसी से शादी हो, पर आपने तो मेरे इस प्यारे से सपने को ही तोड़ दिया। मेरा सपना तोड़ने वाला वो इंसान है जिससे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मॉम भी उनकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती हैं। इधर सेक अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यू करता है कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ, एक जीता जागता इंसान हूँ। आप लोग कैसे इस डील के लिए अग्री कर सकते हैं? मैं इसके लिए कभी भी नहीं मानूंगा। तभी केट भी वहाँ पर वापस आ जाती है और इनसे कहती है कि मैं आपका काम करने के लिए रेडी हूँ, आप बता दो मुझे क्या करना है। एंड इनके इसी मोमेंट पर यह एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।